बहुत मुश्किल होता ही है कि किसी छोटे शहर में रहकर बड़े सपने पाल लेना। वो दौर, वो ज़माना बीत गया है जब लोग पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी या किसी सेटल जॉब की तरफ ढूंढना चाहते थे। आज ज़माना है कि आज के युवा कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। हमारे इस शहर से, छोटे से शहर से कैसे लोग निकले हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे हैं। आज उसी एक क्षेत्र से निकल कर आए हैं हमारे साथ गौरव किशोर जी। इनके बारे में आपको परिचय दे दें कि इन्होंने अभी कल परसों में ही बिहार मिस्टर परफेक्ट का खिताब जीता है। जैसे आपने सुना होगा मिस इंडिया होता है, मिस्टर इंडिया होता है, उसी तरह से स्टेट लेवल पे पटना में इसका आयोजन हुआ था। सीजन 5 बिहार मिस्टर परफेक्ट का इन्होंने खिताब जीता है और ये लालगंज से हैं। और इन्होंने नाम तो रोशन किया ही अपने परिवार का, अपने घर का, लेकिन साथ ही उन बच्चों को प्रेरणा दी है जो चाहते हैं कि इस फील्ड में भी, या पढ़ाई लिखाई, या फिर एक फिक्स पैटर्न है ना कि पढ़ाई लिखाई के अलावा नौकरी ले लेंगे या फिर खेल कूद, क्रिकेट खेल में जाते, क्रिकेट हो गया, उसके अलावा कहीं कोई सोचता नहीं है। तो इन्होंने एक वो उन लोगों को एक प्रेरणा दी है, उन्होंने एक इंस्पिरेशन दिया कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, करियर किसी भी क्षेत्र में हो सकता है अगर हम दिल से मेहनत करें। तो फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बात करेंगे सीधे गौरव से और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या उनका सफ़र रहा है। तो पहले पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव हमारे शो में। बताइए पहले अपने बारे में कि कब, कैसे, क्या हुआ, ये कब जीता, कैसे जीता? सर ये जब ऑडिशन इसका चालू हुआ था तो हमको उसका लिंक आया था ऑडिशन का, हम उसमें फॉर्म भरे थे। ऑडिशन के लिए हम पटना गए थे, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ और बहुत बहुत स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे वहाँ पे, और पटना ऑडिशन में हम सेलेक्ट हुए। उसके बाद सर ये फरवरी में हुआ था और अब भी इसका फाइनल हुआ जो 19 तारीख को हुआ था, ये 19 नवंबर को। और उसके बाद सर इसमें ग्रूमिंग क्लास चला सर 7 दिन का, जिसमें हम लोग को कुमार सौरभ सर हैं वो हम लोग को ग्रूमिंग सिखाए, और चलना कैसा है, बोलना कैसा है सर, ये सब इसकी ट्रेनिंग हुई। इसकी ट्रेनिंग हुई। कितने दिन का चला था ये? 7 दिन का चला था सर। उसके पहले, उसके बाद भी कुछ चला? नहीं नहीं, वो 7 दिन का पूरा प्रॉपर क्लास चला सर, और उसके बाद जाके लास्ट डे हुआ वो फाइनल हुआ, ग्रैंड फाइनल है। ओके, मतलब पहले उन्होंने ट्रेनिंग दी, उसके बाद? हाँ, ट्रेनिंग दी, उसका फाइनल हुआ। तो कितने पार्टिसिपेंट थे लगभग? लगभग सर 19 लड़के थे और 18 लड़की थी, यानी ऑलमोस्ट 40 का आसपास हो ही है। और सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से थे सर। ओके, तो आप वैशाली से थे? हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आए थे लगभग। दरभंगा से थे सर, छपरा से थे, मोतिहारी से थे, बहुत सारी जगह से थे सर। तो गौरव मुझे ये बताइए आप कि जब आप इस फील्ड में, ये एक तरह से फैशन का फील्ड हुआ, इसको मीडिया कह सकते हैं, फिल्मी जगत, फिल्मी जगत, जगत का सेलिब्रिटी तो आप हो गए हैं। अच्छा, लेकिन सेलिब्रिटी होने से पहले का क्या सफ़र रहा है? घर में क्या सपोर्ट रहा, कितना मदद मिला? घर में हमको सर पूरा सपोर्ट मिलता है, भैया का, मम्मी का, पापा का, बहन का और दोस्त लोग का पूरा सपोर्ट है सर। हमारे यहाँ कोई बोले कि हमको हीरो बनना है तो सब सीधे कहेंगे अच्छा हीरो बनेगा? नहीं नहीं, मेरे यहाँ सर बचपन से ऐसा जो जो करना चाहते हो वो करने के लिए। कहाँ से चस्का, कहाँ से लगा, मतलब कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली कि हाँ हमें मॉडलिंग करना चाहिए? सर प्रतीक जैन को देख करके। प्रतीक जैन के बारे में? प्रतीक जैन एशिया सुपर सेक्सी मॉडल है और वो मिस्टर वर्ल्ड भी बन चुके हैं, मिस्टर वर्ल्ड के लिए भी गए थे वो, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुए वहाँ। एशिया सुपर सेक्सी मॉडल शुरू किया, कब से शुरू हुआ ये? ये जब हम 9th क्लास में थे सर, तब हम वो पटना उठना जाते थे तो सर होर्डिंग पे फोटो देखते थे, तो हमको लगता था कि मेरा भी वहाँ फोटो लगना चाहिए। मतलब आपने होर्डिंग पे फोटो देखी, आपने डिसाइड किया कि मॉडल बनना है? नहीं नहीं, वहाँ मेरा फोटो क्यों नहीं लग सकता, ये सोचे थे हम। तो इसके तो उसके बाद उसका जानना चालू किए सर, तो लगा कि मॉडलिंग करने के बाद यदि कोई लेवल पर पहुँच गए तो वहाँ फोटो लग सकता है, तो उस समय से सर अपने पे काम करना चालू कर दिए थे हम। तो अभी आप कितने साल हो गए उस समय में, अभी में कितना टाइम हो गया? लगभग 6 ईयर्स 6 साल से आप इसी मॉडलिंग में हैं। आपके सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सारे फोटोज आते हैं, बॉडी बनाते हुए सब कुछ देखा है मैंने भी, अच्छी खासी बॉडी बना रखी है आपने, आप चेक कर सकते हैं इनका सोशल मीडिया अकाउंट। तो आपने वो डिसाइड किया, आपने आगे बढ़े, आपने इसके पहले भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं? हाँ, इसके पहले हम सर 2 बार कॉलेज में मिस्टर SRM रह चुके हैं, जो कॉलेज में हम पढ़ते थे वहाँ का 2 बार रह चुके हैं मिस्टर SRM, और SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई। हाँ, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई। और तमिलनाडु में एक बार टॉप 15 आए थे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, और सर एक बार हमको खादी में सूट मिला था धोती के लिए। ओके, एडवर्टाइज के तौर पर, एज ए मॉडल, एज ए मॉडल। उसी से सवाल है अगला, जो बच्चे आपको देख रहे होंगे इस वक्त, सोच रहे होंगे कि हमें भी मॉडलिंग करनी चाहिए, हाँ, कैरियर ऑप्शन क्या है इस, अगर कोई आता है इसमें आगे कैरियर क्या है? सर इसमें कैरियर है कि सर अब इसके बाद हमको काम मिलना चालू हो जाएगा, फोटोशूट्स हो गया, जैसा ये हम लोग मॉल जाते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, ये होता है ना शेरवानी, उसके जस्ट बगल में फोटो लगा रहता है मॉडल का, खड़ा होता है। हाँ, तो वो सब काम मिलना चालू हो जाएगा सर, और कहीं भी कुछ हुआ बिहार में तो वहाँ पे बुलाया भी जा सकता है आपको, और इसके बाद सर, हाँ, एज ए मॉडल। और सर इसके बाद हमको वो आगे के लिए तैयारी होना है, वो मिस्टर इंडिया हमको करना है सर, अब उसके लिए जी जान से मेहनत करेंगे हम। तो कैरियर ऑप्शन में हो गया कि आप एज ए मॉडल,
एडवर्टाइजर्स जो कंपनी होगी वो आपको अप्रोच करेगी, कंपनी एडवर्टाइजर आप ब्रीफ में बता दो तो आप देखते होंगे बैनर्स पे, होर्डिंग्स पे, या फिर फ्लिपकार्ट का भी खोलते होंगे, जो लड़के शेरवानी सूट और जैकेट पहने खड़े होते हैं वो मॉडल्स होते हैं, उनको अच्छा खासा पे मिलता है, और उसके लिए वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जो इस तरह के कॉम्पिटिशन जीत कर आए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है किस तरह से खड़े होना है, किस तरह से उसका बॉडी लैंग्वेज होता है जो जिसकी उन्होंने ट्रेनिंग ली है। हाँ, 7 डे का ग्रूमिंग क्लास चला सर, उसमें बहुत मेहनत की सर। राजीव सर हो गए हम लोग का डायरेक्टर, और मैंग सर हो गए, राजीव सर ऑर्गेनाइजर हो गए, मैंग सर हो गए सर, मैंग ओझा सर डायरेक्टर हो गए, फिर अंजलि मैम है, कुमार सानू सर है, रेशमी मैम है, ये लोग बहुत मेहनत की हम लोग के पीछे सर। ओके, तो जिन लोगों को ये लगता है कि मॉडलिंग करके सिर्फ हीरो ही बना जा सकता है, तो उनके लिए बता दूं कि और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। आपको हीरो नहीं बनना है सर, चांस मिलेगा तो पक्का करेंगे सर। चांस मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा सर, उसके लिए भी स्ट्रगलिंग है। तो क्या सोचा है, मतलब अभी मॉडलिंग में ही जाना है कि इधर भी ट्राई करना है एक्टिंग वगैरह में? सर पहले तो अभी इंडिया के लिए पहले सर जी जान से मेहनत करना, इधर उधर भटकना नहीं है सर। एक बार मिस्टर इंडिया बन जाने के बाद सर चांस तो अपने आप मिलने लगेगा सर। लक्ष्य बड़ा है, परिवार का सपोर्ट है और मुकाम मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि आगे ब्लेसिंग्स भी हैं इनके साथ, और हम लोगों को एज एक शहर के नागरिक होने के नाते को उम्मीद भी है शायद कुछ अच्छा करेंगे। और डेफिनेटली जब एक ट्रॉफी आ गई है, आपको दिख रहा होगा ये सुंदर सी ट्रॉफी रखी है, तो एक बार हाथ में लेकर दिखा दीजिए। तो ये ऐसा ही कुछ फ़ोटो था, हमने अपने वेबसाइट पर भी डाला है, ऐसा ही कुछ फ़ोटो था जिसको लेके ये विनर का खिताब लेके जीते थे। एक गर्व की बात है लालगंज के लिए भी, वैशाली ज़िले के लिए पूरे, कि हमारे शहर का एक लड़का लालगंज को मिस्टर परफेक्ट बना के आया है पटना में। थैंक्स सर। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई करी, हाँ सर, कॉलेज किया, बीटेक कराया, क्या कराया? बीबीए किया सर, बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट किया है। जब आप बिजनेस मैनेजमेंट करके आते हैं और ये मॉडलिंग में घुसते हैं, तो आपका तो एक टारगेट सेट है कि आगे जाके मॉडलिंग करनी है, आपने देख लिया, इंस्पिरेशन बना लिया, उन लड़कों को क्या कहना चाहेंगे जो बड़ा मुश्किल, स्विच करना बड़ा मुश्किल होता है ना, मतलब कोई बीबीए किया है तो बीबीए छोड़ के मॉडलिंग में आ जाए? नहीं नहीं सर, पढ़ाई हर कोई भी फील्ड जाओ सर, उसमें पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग का वहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड हो रहा था, फिर आपको वो ये होता है ना, वो अपना इंट्रो देना था, तो वो कॉन्फिडेंट देखते हैं सर बंदा में, उसमें एजुकेशन मैटर, हाँ एजुकेशन बहुत मैटर करता है सर। इंग्लिश कितनी मैटर करती है? इंग्लिश और हिंदी मैटर नहीं करती है सर, आपका जो लैंग्वेज है ना वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप जो भी बोल रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं। आधे बच्चे से डर जाते हैं कि इंग्लिश में पूछे? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, अपना मदर टंग हिंदी है सर, हम लोग हिंदी में भी बात कर सकते हैं। तो हिंदी में बोल के आपने जीता है ये? नहीं, हम सर इंग्लिश में भी बोल के जीते, लेकिन हिंदी बोलते मेरे लिए डीमोरलाइज हो जाएंगे बच्चे। नहीं, हिंदी में बोले सर, बहुत लोग बोले हिंदी, जो मेरा सेकंड रनअप आया वो हिंदी में ही अपना इंट्रोडक्शन दिया था। तो मिला जुला के ये कि अगर आप हिंदी बोलते तो भी घबराने की बात नहीं, बस कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड होना जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन ही आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेके विश्वास लेके आता है। तो ये थे हमारे साथ गौरव किशोर जी। आप अपने एक आखिरी सवाल में ही कहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में बता दीजिए, आपके पिता क्या करते हैं, आपकी माँ क्या करती है, घर में कौन कौन लोग हैं? सर मेरा कौन से मेरा सहेली दुकान है जो आपको सिनेमा रोड में है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, पापा बिजनेसमैन है, भैया जो है सो जॉब करते हैं और उसके साथ एक्टिंग करते हैं, बहन फैशन डिजाइनर है, बड़े पापा का काम है कॉन्ट्रेक्टर का, बड़ी मम्मी हाउसवाइफ है, कुणाल भैया जो मेरे भैया हैं बड़े वाले उनका इसका उनका जॉब है, और एक भैया है सोनू भैया उनका टीचर का जॉब है, और दीदी है श्वेता कुमारी उनका भी जॉब है, वो दिल्ली में रहती है। तो घर में दो तीन लोग तो फैशन में ही आ गए, मतलब फैशन डिजाइनिंग, हाँ, मॉडल, बहन और हम और भैया, माहौल ही ऐसा है, माहौल ही ऐसा सर, सपोर्टिंग माहौल है। दैट्स नाइस। पहले तो आप नाम बताइए अपना। राजकिशोर चौधरी। पुत्र आपके ट्रॉफी लेके बैठे हैं, कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आगे क्या करें? आगे जो करें, दुकान में लगा रहे हैं इसको कि फिर आगे भेज रहे हैं मॉडलिंग के लिए? जो करे रोक रही है, दुकान तो आपका है ना? दुकान है, जमा जमा दुकान है। तो बेटा बड़ा है, दुकान संभाला है कि बिजनेस करवाएंगे कि क्या करवाएंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे इसको, जो मेरे बाल बजाय कभी रोक नहीं हुआ, जो करे सब ठीक है। बच्चे से आपको बचपन से देख रहे थे, सवाल ये कि कब से इसको ये कीड़ा लगा, कब से? यहाँ से यहाँ पर है ना, 10 के बाद चला गया हैदराबाद, हैदराबाद गया चेन्नई, चेन्नई में ही इसका सब कुछ हुआ, वहीं चस्का लगा, चेन्नई से शुरू कर दिया। हाँ, एसएल में सी थी कि पापा मॉडलिंग कर रहे हैं? कहीं नहीं, रोक नहीं है। नहीं, कॉलेज से जब बताया रोक माने कोई चीज क्या कर रहा है उसको पहला बार क्या लगा था? ऐसा तो है नहीं खुश हो गए होंगे एकदम कि बेटा मॉडलिंग कर रहा है, कैसा लगा था पहला बार सुन के? कहीं ना कि हम रोक नहीं है, रोकता तो कोई नहीं है, किसी के फादर नहीं, जो कर रहा है कि हाँ फल्ला जी कर रहे हैं ठीक है, बस ये नहीं कि ये नहीं करो ये करो ऐसे नहीं, कभी चिंता नहीं हुआ कहाँ करियर बनाएगा कैसे करेगा? ऐसा कभी नहीं हुआ, ये लोग अपने सही है तो हम क्या उसमें चिंता करें? अपने तीनों बाल बच्चा मेरा निकल रहा है, सही जगह पर जा रहा है, तो हम क्या चिंता करेंगे?
छोटे शहर में जो अभिभावक होते हैं नॉर्मली वो पहले सोचते हैं कि जिस लड़का जो फील्ड में जा रहा है उसमें क्या करियर है, क्या चुनेगा, क्या बनेगा। ऐसा जैसे है ना, जैसे कि मैं इंटर किया वहाँ हैदराबाद से, इंटर के बाद ही माने कि बोला कि इंडिया हम जाएंगे, तो इंडिया में नहीं हो पाया तो फिर बोला कि हम बीबीए करेंगे, तो चेन्नई भेज दिए, वहाँ गए, वहाँ पढ़ा, वहीं पर सब कुछ किया। आपको कभी चिंता महसूस हुआ ही नहीं? कभी नहीं। कि बेटा जो कर रहा है पता नहीं क्या फ्यूचर होगा, क्या करेगा? कभी नहीं, तीनों का नहीं, लड़का लड़की किसी का नहीं। हम जान रहे हैं कि सही कर रहा है तो हम क्यों उसमें चिंता करें, काहे रुकावट डाले। हाँ आंटी, नाम बताइए पहले अपना। आशा देवी। आशा देवी, बेटा आपका गौरवान्वित करवा रहा है, नाम ऊँचा करवाया है, क्या कहेंगे इसके लिए? पहले तो सब ये बता दीजिए क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बेटा आपका हीरो हो गया एक तरह से। तो अब क्या करेगा आगे? मिस्टर इंडिया की तैयारी करने जा रहा है, अंकल तो ऊपर ऊपर से बोल दिए हैं, पापा लोग की खासियत होती है अपना ओवरऑल लेके निकल जाएंगे। नहीं, नहीं, लेकिन आप बताइए, रोके नहीं लगा कोई चीज़? माँ बताएगी कि जब इस चुने कि हम मॉडलिंग करेंगे तो आप लोग को टेंशन नहीं हुआ कि हाँ ये कहाँ क्या चुन लिया है, पढ़ लिख के नौकरी वोकरी करता? यहाँ संत पॉल में पढ़ रहा था, नाइन्थ क्लास में जाने के बाद इसको थोड़ा सा दिमाग में आया कि हम इस सब में अपना एथी बनाए, उसी समय से ही अपना करना चालू कर दिया। आप लोग समझाए नहीं? क्लास से नहीं, हम रोक रहे थे पहले, रोके कि इतना छोटा है अभी मत करो, कमजोर है, लेकिन मेरा बात नहीं माना, अपना करते रहा। जिम कब से जा रहे हैं? जिम तो नाइन्थ क्लास से जा रहा है। नाइन्थ जिम जा रहे हैं जी? बॉडी शॉडी तो अच्छी बना रखी है। तो फिर आगे अभी जब ये अभी यहाँ से दिल्ली से दिल्ली जाओगे फिर मिस्टर इंडिया के लिए तैयारी करने? और नहीं, तैयारी तो यहीं से करेंगे सर, उसके बाद वहाँ जाना अच्छा। पड़ेगा ऑडिशन जब होगा ना तो। गांव समाज का क्या रिस्पांस रहता था अंकल से? ये नहीं पूछे क्योंकि दुकान पर रहते हैं, ये सब सवाल आपके लिए इसलिए है, सोसाइटी समाज, बेटा मॉडलिंग करता है हीरो बनना चाहता है, या फिर जो भी नॉर्मल पर्सन तो वही कि बेटा हीरो बनना चाहता है जो मॉडलिंग कर रहा था, इसमें समाज का आगे बढ़ाने का सबसे ज़्यादा इसका भाई का, इसके बहन का है रोल। भाई इसका बहुत चाहता था कि मेरा भाई अच्छा बन जाए, मॉडलिंग करे, बॉडी बिल्डर बन जाए। समाज के लोग कभी ताना नहीं मारे? समाज के लोग को इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। नहीं, आपको सुनने को होता ना कि बेटा को कुछ करवाइए, काम धंधा करवाइए? नहीं, लड़का गांव में कोई शिकायत नहीं करता समाज में, मतलब ये सब रहबे नहीं किया है, यहाँ रहबे नहीं किया। अच्छा, तो मतलब बाहर रहा, पढ़ा, वहीं से मॉडलिंग किया, आया तो सीधे ट्रॉफी लेके आया? नहीं नहीं, इधर तो करीब 3-4 साल से यही है। वो तो है, मतलब एक कहते हैं ना कि अब चुप करा दिया लोगों को, जो लोग सोच रहे भी थे एसआरएम जीते हुए हैं, एसआरएम में वो कॉलेज लेवल, ये स्टेट लेवल का है, ये बड़ा है, ये फर्स्ट सक्सेस है लाइफ का, ये माइलस्टोन हो गया, स्टेट लेवल पे हो गया। ठीक है आंटी, तो एक बार आशीर्वाद, पैर छो, आप आशीर्वाद दे लो। आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा करें और आप जैसे पेरेंट्स भी मिले लोगों को जो सीखने को मिलते हैं कि हाँ अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई के अलावा भी किसी चीज़ में जाना चाहता है तो सपोर्ट जरूरी है। रोक की दम नहीं है। और मेरा कहन है कि मेरे मतलब ग्रुप का सबसे अच्छा सहनशील, मतलब पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज सब चीज में बेटर। मॉर्निंग का पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई चाहिए सर, बहुत जरूरी है सर। मतलब पढ़ाई करते हैं, मतलब अच्छे से पढ़ते हैं कि बस आखिरी रात पढ़े पास हो गए? हाँ, आप क्या कहना है दोस्त को? हमको तो पता ही था कि जीतेंगे, ये होता है दोस्त। कहिए दोस्त जीता है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मार्केट में भोकाल बन गया आप तो। दोस्त हमारा मिस्टर बिहार, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे आइडियल तो शुरू से ही है, मेरे बड़े भाई भी है, आइडियल भी हो गए हमेशा से है, जब से मिले हैं जिम में, और अपने नाम की तरह जैसे गौरव किशोर है, जैसे अपना बिहार का नाम और पूरा इंडिया का नाम गौरव कर रहे हैं, यही उम्मीद था।